Hi and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is the fifth part. So in this part we are going to sculpt our barrel in ZBrush. So let's get started. So we are in Blender right now. So मैंने आपको जो ZBrush के लिए हायरस हमने मैश अपना जो रेडी करना था वो आपको दिखा दें. इसका वायरफ्रेम ऑन करते हैं तो नथिंग स्पेशल, सिर्फ इसको सब डिवाइड किया गया. जो कंट्रोल लूप्स हैं वो दिए गए हैं जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ताकि ZBrush में जाके जब इसको हम सब डिवाइड करें, मज़ीद डिटेल लें तो कोई डिस्टॉर्शन ना हो. सो और कुछ भी नहीं है, सिंपल आपने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, आपने फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट करना है और FBX आपने एक्सपोर्ट कर देना है. इसी तरह आपने लो पोली LP के साथ और जब हाईरस करेंगे तो BRL _ हम HP जो हाईरस होगी हाई पोली उसके साथ कर देंगे. सो ZBrush में चलते हैं. सो ZBrush में आपको मैं दिखा देता हूँ. सिंपल आपने Z प्लगइन इसमें जाना है और यहाँ पे आपने ये फाइल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इसमें जाना है और सिंपल आपने इम्पोर्ट में जाना है. फाइल इंपोर्ट करके आपने सिंपल ड्रैग करना है और उसके बाद एडिट. सो फाइल आपकी इंपोर्ट हो गई है, ठीक है जी, जैसा आपको नज़र आ रहा है. और पर्सपेक्टिव यहाँ से ऑन कर लेते हैं. वैसे पी इसकी शॉर्ट की है, जो पी है शॉर्ट की इसकी वो है. सो ऑल्ट लेफ़्ट क्लिक से हम सेलेक्ट कर सकते हैं. अभी देखें, बाकी के ऊपर हम स्कर्ट नहीं कर सकते, अगर इसके ऊपर करें तो इसके ऊपर वर्क हो रहा है, ठीक है. इसी तरह ऑल्ट लेफ़्ट क्लिक से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं. हमने जिस पे भी स्कल्प्ट करना है, जो एक्टिव टूल है वो मीनिंग है मेरा जो सब टूल है. आप सब टूल में जाएं तो यहाँ आपको दिखा रहा है, ये शो कर रहा है बेसिकली जो, क्योंकि हमने पार्ट्स में बनाया है. आप इस पर सेलेक्ट करें तो वो सेलेक्ट करता जाएगा. इस पर देखें, ये सिलेक्ट कर लिया उसने, इस पर आएँगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट कर लिया. तो ये शॉर्ट की है, इसकी आपने सिंपल और लेफ़्ट क्लिक से करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और जाते हैं ज्योमेट्री में. ज्योमेट्री में डाके कंट्रोल डी बेसिकली शॉर्ट की है इसकी. कंट्रोल डी करेंगे, सब डिवाइड पॉलीफ्रेम ऑन कर लेते हैं, आपको ये भी नज़र आ जाएगा यहाँ से. और लेट्स इस पर स्कल्प्ट करके देखते हैं और इसको 4 हैं अभी, एक दफ़ा और करते हैं कंट्रोल डी और आई थिंक यहाँ जाते हैं लाइट बॉक्स में और ब्रशेज़ में जाके और ब्रशेज़ लास्ट टाइम भी आपको बताया था, वो आप गूगल पे करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा. सो और ट्रैक फर्स्ट और उसके बाद हम और स्लैश ले लेते हैं और लेट्स से अभी के लिए दोनों ही रहने देते हैं. और ये स्लैश इस पर लगा के देखते हैं. ये आप देख रहे हैं अभी ये इतना डिटेल काफ़ी ब्लर है हमारी. सो हम कंट्रोल डी एक दफ़ा और करते हैं और आप देखते हैं आप थोड़ी सी ये क्रिस्प आ रहा है, इसमें शार्प हो रही है. एक बार और कर लेते हैं कंट्रोल डी और अब ये काफ़ी शार्प है हमारी, ठीक है. और ऐसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं कंट्रोल डी 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 एंड डी 7 टाइम से भी कर लेते हैं और इस पर भी ड्रैग करके देख लेते हैं, हमें आइडिया हो जाए. और कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल डी और ठीक है जी, काफ़ी बेहतर आ रहा है, ठीक है. और ऑल्ट रिलीज करके लेफ्ट क्लिक से हम सेलेक्ट करते हैं जी इसको और इसको करते हैं हम कंट्रोल डी 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 डी. लेट्स से इसको 5 टाइम रहने देते हैं. ये काफ़ी छोटा ऑब्जेक्ट है तो आई थिंक काफ़ी है. और इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल डी 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 और इस पर हम BC for क्ले बिल्डअप और इस पर आते हैं अपनी जो हमने बनानी है. तो आई थिंक काफ़ी ठीक है. अगर ब्रश में छोटा करूँ थोड़ा, ड्रॉ साइज थोड़ा और छोटा करूँ और बेसिकली रोप के जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो कैसे लग रहे हैं. वो डिटेल अच्छी है। और इसको स्मूथ करके देखें, आई थिंक ठीक है। अगर एनफ नहीं होगी तो हम इसको दोबारा भी कर सकते हैं, इस पर करके देख लेते हैं। ठीक है जी, सो आई थिंक ठीक है। इसको बाद में हम देख लेंगे अगर हमें और ज़रूरत पड़ी। और लेफ़्ट क्लिक से इसको एक्टिव करते हैं और कंट्रोल डी 5 टाइम करते हैं और इस पर हम दोबारा चेक करते हैं इसको। तो आई थिंक ये काफ़ी डिटेल अच्छी आ रही है। सो लेट्स से जी हम सबसे पहले स्कल को ही पकड़ते हैं। यहाँ से रिमेंबर हम सोलो कर सकते हैं और सोलो में भी इसको देख सकते हैं। सो स्कल हमने पकड़ा हुआ है जी। और सबसे पहले हम आते हैं D4 ब्रशेस और D4 डायनामिक और सॉरी D नहीं है, B4 ब्रशेस T4 ट्रिम डायनामिक। ठीक है जी, ट्रिम डायनामिक पकड़ते हैं और ट्रिम डायनामिक पकड़ के इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी डिटेल अच्छी है। और सबसे पहले इसको स्मूथ करते हैं यहाँ से। ठीक है जी, ये हमें नहीं चाहिए। और हम इसको स्पेस बातें इसकी ये भी कम करते हैं और साइज़ भी कम करते हैं। और यहाँ पे इसको ये फ्लैट कर देते हैं जो एजेस के आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेटल है इधर तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। थोड़ा बड़ा करते हैं साइज़। और मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ हमेशा की तरह, तो पेन टैब अगर हो तो पेन टैब से आपका जो काम है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली ग्राफिक टैबलेट जो है वो टेक्सचर पेंटिंग और स्कल्पिंग के लिए वो सबसे बेहतर है। और इसके सारे एजेस में इस तरह फ्लैट कर दूँगा यहाँ से। और मेक श्योर के कोई एज इसका रह ना जाए, क्योंकि ये एक आपको फीलिंग आएगी जिस तरह हैमर के जो हैं वो हैमर इस पर लगी हुई है काफ़ी। जिस तरह हैमर से मेटल आप तैयार करते हैं तो बेसिकली वो लगेगा कि हैमर की जो हिट है वो इस पर लगी हुई है काफ़ी। जिस तरह अभी आपको फील भी हो रहा है जिस तरह हैमर की हिट से इस पर लगी हुई है। तो हम इसको ये करेंगे और जूम आउट करते हैं थोड़ा और इसको देखते हैं 360 में रोटेट करके। साथ साथ ऑब्वियसली स्कल्पिंग हो या मॉडलिंग या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो एनिमेशन इवन आप कर रहे हैं तो उसको आप एक दफ़ा 360 घुमा के ज़रूर देखें। आप एक ही तरफ से करते ना रहें, एक ही व्यू से आप काम कर रहे हैं और बाद में आपको पता चले कि दूसरे व्यू से वो चीज़ जो है दूसरे एंगल से वो अच्छी नहीं लग रही, ख़ास नहीं लग रही इतनी, और जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं लग रही। एक व्यू से तो वो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे व्यू से देखेंगे तो दूसरे व्यू से आपको फिर उस टाइम अंदाज़ा होगा कि वो इतना कोई अच्छी नहीं लग रही। और एक और ब्रश है, अगर मैं लाइट बॉक्स में जाऊँ, ब्रशेज़ में ऑलरेडी हूँ और ब्रशेज़ में, और ये और फ्लैटन, ये भी फ्लैटन ब्रश है। मतलब ट्रिम डायनामिक ब्रश है, लेकिन ये मतलब उससे स्ट्रॉन्ग है। इस तरह अभी ये आपको यूज़ कर देता हूँ, ये आप देख रहे हैं ये उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये भी यूज़ कर रही है। बेसिकली जो अभी हम काम कर रहे हैं मेटल वाला के इस पर हैमर की हिट्स हम शो कर रहे हैं कि हैमर की हिट्स लगी हुई हैं। बेसिकली हैमर हिट हुई हुई है हर जगह इसको बनाने में। तो बेसिकली ये वो फीलिंग है। ये भी फ्लैटन ही है, ट्रिम डायनामिक जो है जो फ्लैट करता है जिसको, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये भी और ब्रश का जो है उसी पैक का हिस्सा है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो आपने इसको काफ़ी ध्यान से यूज़ करना है। सो B4 ब्रशेज़ और जो लास्ट ब्रशेज़ आपने यूज़ किए होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ट्रिम डायनामिक आ गया, और ट्रिम डायनामिक से मैं क्या करूँगा, मैं इसका ड्रॉ साइज़ कम करूँगा और मैं इसको फ्लैट करता हूँ। यहाँ से सारों को, ठीक है जी। और मैं साइज़ थोड़ा और छोटा करता हूँ और इसको जूम इन करते हैं जी। और मैं ये सारे इसके जितने भी एजेस हैं ये शार्प में रहने दूँगा, ठीक है। और इसको एक स्टाइलाइज्ड लुक देने के लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। आप जो फ्लैटन कर देते हैं एजेस, मतलब जो ट्रिम डायनामिक से आप फ्लैटन करते हैं, ये देखें अभी आप दोनों में देखें तो ये काफ़ी स्टाइलाइज्ड लुक लग रही है रफ, जबकि ये आपको काफ़ी शार्प लग रही है जो कि अच्छी नहीं लग रही। और हो सकता है काफ़ी केसेस में, जिन केसेस में आपकी रिक्वायरमेंट हो तो उसके मुताबिक तो ऑब्वियसली आप फिर उसको शार्प ही रखेंगे, लेकिन जो अभी हम चाह रहे हैं और जो जिस तरफ हम जा रहे हैं जिस स्टाइल की तरफ, तो उसके अंदर मैं इसको जो है वो सारों को ट्रिम करूँगा, मतलब फ्लैट करूँगा। सारे एजेस जो हैं वो मैं शार्प एजेस नहीं रहने दूँगा, मेक श्योर करूँगा कि शार्प एज ना रहे। और इसी तरह बेसिकली मैं सारों को करूँगा। सो प्रोसेस सेम है, सेम ब्रश आपने यूज़ करना है और सबको फ्लैटन करना है। सो वीडियो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि नथिंग स्पेशल, सिंपल ट्रिम डायनामिक है। सो मैं नहीं चाहूँगा कि आप मुझे सारे एजेस जो हैं वो फ्लैट करते हुए देखें इस तरह ट्रिम डायनामिक से, और बीच में कुछ भी नहीं है आप तो इसलिए वीडियो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, आपका और मेरा दोनों का टाइम ताकि सेव हो सके। और जहाँ हम कोई कुछ नया करने लगेंगे तो वहाँ मैं रियल टाइम पे ले आऊँगा वीडियो को, ठीक है। सो एंजॉय। ट्रिम डायनामिक जो था हमने एज फ्लैटन करने जो ट्रिम डायनामिक, और दूसरा हमारा ये और ब्रश है और फ्लैटन, तो ये दोनों यूज़ करके हमने ये इस टाइम लुक निकाली है इसके, सारे एजेस जो है वो फ्लैट करके। सो अब चलते हैं जी इसकी जो आइज़ हैं और जो क्रैक्स हैं वो देते हैं। सो हमारा मिरर है, आपको याद होगा कि यूवी में भी हमारा हाफ है। सो हम इस तरह का स्लैश देंगे जो दोनों साइड पे मतलब अच्छा लगे, क्योंकि एक साइड पे देंगे तो यूवी मिरर हैं तो दूसरी साइड पे भी वही आएगा। सो अभी हम सबसे पहले तो इसकी आइज़ की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। तो पर्सपेक्टिव ऑफ करते हैं ताकि हमें ये स्ट्रेट नज़र आए बिल्कुल, ठीक है जी। और इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा और एक्सप्रेस करता हूँ मैं, सिमेट्री ऑफ कर देता हूँ और मैं एक ही जो आई है वो बेसिकली, और बाद में इसको फ्लिप कर लूँगा और एक ही तरफ इसकी जो है वो आई बना ड्रॉ कर लेता हूँ। सो मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, मास्क में आता हूँ और मास्क में आके मैं बेसिकली ट्राई माई बेस्ट कि जितनी मैं शेप जो है वो इसकी ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे मास्क में। हमें बिल्कुल लकीर का फ़कीर बनने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर कि आपके पास जो रेफरेंस होता है, आप अगर उसको एग्जैक्टली बिल्कुल आप नहीं छापना चाहते और आप चाहते हैं कि आपको वो चीज़ नहीं पसंद आ रही, लेट्स से कि आपके माइंड में कुछ और चल रहा है और आपको लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है, तो जिस तरह मैंने अभी उसको, ठीक है, उसकी सिलवट थोड़ी सी उसकी फॉलो की है, बाकी मैं उसको इतना ज़्यादा कोई ख़ास फॉलो नहीं कर रहा। तो ये हम सब्सटेंस में भी कर सकते हैं, हम वहाँ पे जो है जो जिस तरह मेरा सॉर्ड है, सॉर्ड का ट्यूटोरियल आपने देखा हो, तो उसके अंदर भी आप हाइट में और नॉर्मल जो है उसके अंदर इसकी ये वाली डिटेल दे सकते हैं। सो मैं इसकी आइज़ जो है वो काफ़ी बिग रख रहा हूँ और कंट्रोल प्रेस करने से ये होगा, मास्क जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा और ऑल्ट प्रेस करने से कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करने से ये हार्ड होगा और कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करने से मैं काफ़ी हार्ड कर लेता हूँ। एक दफ़ा सॉफ्ट इसलिए करता हूँ कि बाकी जो ब्लरीनेस है उसकी ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप जब इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, मास्क अपना हार्ड करेंगे तो वो काफ़ी बेहतर आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, इन्वर्ट करेंगे मास्क को और इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप जाएंगे जी डेफॉर्मेशन पे। और डेफॉर्मेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आएगा जी इन्फ्लेट। तो इन्फ्लेट मैं लेके जाता हूँ लेट से -3 और इसको देखता हूँ ये काफ़ी कम है। कंट्रोल जी करते हैं और लेट से मैं यहाँ पे एक दफ़ा अगर आप टाइप करें तो आप नंबर भी टाइप कर सकते हैं। तो लेट से मैं -7 करता हूँ और लेट से कंट्रोल वी करते हैं एक बार और इसको करते हैं जी -10। सो आई थिंक ये काफ़ी बेहतर है और सिंपल मैं इसको जूम करूँगा और जूम करके और जी इंटेंसिटी यहाँ से मैं स्मूथ की काम करूँगा और उसके बाद मैं करूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा है इतना ख़ास कोई। और अब अगर देखें तो ये ठीक है, मुझे इतने ही चाहिए, मुझे इतनी हार्ड नहीं चाहिए। सो ये इसकी जो है वो मैं स्मूथ कर लेता हूँ पहले थोड़ी सी और उसके बाद हम जो फ्लैटन ब्रश है आपका या दूसरा, उससे हम इसको कर लेंगे। काफ़ी ये जो हमने एजेस इसके फ्लैट करने हैं वो हम लुक इसको भी दे लेते हैं। तो अभी इसके ऊपर इंटेंसिटी इसकी थोड़ी बढ़ाएंगे और अब ये जो है फिर बेहतर वर्क करेगा। ड्रॉ साइज और ये और इंटेंसिटी और आप ये वर्क कर रहे हैं। ड्रॉ साइज थोड़ा छोटा करते हैं और देखें तो ये वर्क कर रहा है। और यहाँ पे लाएंगे और इसको ऐसे हम फ्लैट कर लेंगे। सिंपल वही है, हमने जो है वो फ्लैटन करना है। हम इसको कंट्रोल से मास्क कर लेते हैं ताकि ये इधर जो है वो अफेक्ट ना करें इतने एरिए पे। ठीक है जी, इतने एरिए पे इफेक्ट ना करे और कंट्रोल ऑल्ट से हम मास्क इसका रिमूव करते हैं क्योंकि हमें इन एजेस पे ये चाहिए। सिर्फ हम चाह रहे हैं कि जो इनर साइड है, इनर साइड पे ये इफेक्ट ना करे क्योंकि वो जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो बार बार ना हो। ठीक है जी, और अब हम सिंपली आराम से इस पे वर्क कर सकते हैं बगैर डिस्टर्बेंस के और इसको फ्लैटन करते हैं। आप वो देखें तो वो नीचे आपका जो है इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और आप इसको थोड़ा सा इस तरह रफली कर लें। जूम आउट करते हैं, ये काफ़ी है इतना। और मास्क क्लियर करते हैं और मास्क क्लियर करने के बाद लेट से यहाँ भी अगर फ्लैटन चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। सो ये इसकी आई जो शेप है वो इसकी रेडी है। लेट से बी प्रेस करते हैं, ब्रशेज़ और स्लैश लेके आते हैं हम अपना और स्लैश को लेट से के हम देखते हैं हम कहाँ पे यूज़ करें। लेट से यहाँ पे यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पे जो है ये दोनों तरफ आएगी क्योंकि इसके यूवीज़ जो हैं वो मिरर हैं तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी ज़रा सी। और ये दोनों तरफ आएगी तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इसको, नहीं तो हम यूवी अगर इसकी दोनों की अलग करते तो फिर तो हम ईज़िली ले सकते थे। तो यहाँ करें तो यहाँ भी वो दोनों तरफ ही आएगा। और लेट्स से के जी यहाँ दे लेते हैं और उसके बाद लेट्स से एक मैं देख रहा हूँ कि वो क्योंकि यहाँ भी जो आई भी इधर जो है उसकी भी ज़ाहिर बात है मिरर होगा, ये भी मिरर होगा तो दोनों स्लैश मिरर में एक अजीब सी लगेंगी। हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे स्लैश दे ही ना, क्योंकि ये बुरी लगेगी स्लैश। दोनों तरफ जो यूज़ हैं वो मिरर हैं और मिरर के अंदर आई डोंट थिंक के स्लैश जो है वो इतनी अच्छी लगेगी ख़ास, क्योंकि जो भी स्लैश हम देंगे चाहे यहाँ पे दें चाहे वहाँ पे दें, अब यहाँ पे दिया तो वो यहाँ पे मिरर इस तरह आएगी और वो इतनी कोई अच्छी नहीं लगेगी। सो लेट्स से कि हम बी और क्रैक की तरफ आते हैं और लेट्स से इसको क्रैक देते हैं जो दोनों तरफ अगर रिपीट भी हो तो इतना कोई इशू ना लगे। अब ये भी रिपीट तो होगा उस तरह भी, लेकिन जैसा आपको बताया मैंने कि हमें वो जो है कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसका साइज़ छोटा करें ब्रश का, ये काफ़ी छोटा हो गया, थोड़ा सा साइज़ का बड़ा करें से 8 और इसको देखते हैं अभी। ठीक है जी, और ऐसे दूसरी तरफ भी आएगा, लेकिन अभी जो भी है मजबूरी है, आपको दिक्कत बता सकते हैं ऑब्वियसली। और ये इसके आगे यहाँ पे स्लैश डाल देते हैं, इसका जो है ये कॉर्नर जो आगे शेप है वो बनाने के लिए। सो लेट्स से ये काफ़ी है। ठीक है जी, और पर्सपेक्टिव में जाते हैं और इसको देखते हैं। सो लेट्स कॉल इट डन, काफ़ी है। और इधर स्लैश दे देते हैं, दोनों तरफ आएगा, लेकिन इधर भी देते हैं स्लैश। ठीक है जी, हम इसमें ज़्यादा इतना जो है वो वर्क नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल। इतना वर्क नहीं कर सकते क्योंकि ये भी मिरर होगा, जो कुछ हम करेंगे वो सब कुछ इसमें मिरर ही होगा, मिरर के अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। सो इस वजह से हम ज़्यादा इसमें जो है वो ख़ास इतना वर्क नहीं कर सकते। हम इसकी यूवीज़ एक ले आते तो हम इसके ऊपर काफ़ी वर्क कर सकते थे, लेकिन यानी हो कोई मसला नहीं है। सो अभी इसको डन कहते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम फर्दर जो बाकी हमारे पार्ट्स रह गए हैं हम वो स्कल्प्ट करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वाचिंग एंड गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज़।